अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, मेरे को इंसाफ चाहिए। देखिए, पीटीएस में भी मैं रिपोर्ट लिखाई हुई हूँ, ये कंचनबाग पीएस में कंप्लेन लिखाई हुई हूँ। मैं जब मैं कंप्लेन लिखाई, पूरा स्टाफ मेरा साथ दिया। अब मैं दूसरे दिन गई तो मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं करे भाई। मेरे शोहर कुछ गुस्सा करने लगे, तुम्हारे नाम पर कंप्लेन है बल्कि, और मेरे को यालिम चीचा, रफीक चीचा, नईम चीचा से मेरे को भी, मेरे शोहर को मेरे को बल्कि नहीं समझ में आ रहा ना। हमारे देवरों को सबको उनको उठा लेता हूँ, समझ को उठा लेता हूँ, खुसरों को उठा लेता हूँ, ऐसा पर। हालांकि मेरे को इन्वॉल्व है ना भाई ससुराल से। मैं 3 साल पहले चुनाव से रिश्ता तोड़ के अलग हो गई थी। मैं मेरे घर में हूँ। मैं मेरे नंदों के घरों पे जाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। हमारे ससुरे बेचारे रात में 3 बजे रात को जाकर उनको उठा लेते, उनको परेशान करते, तुम्हारा बेटा ऐसा करा, तुम्हारा बेटा वैसा करा बल्कि बोलते। और मेरे 1 लाख रुपये देना है, चिट्ठी उठा के दी मैं, नहीं दिया तो नहीं दिया भाई। मैं बिल्कुल बोले वास्ते भी मेरे शोर को मारे। अब मैं 1 रुपया नहीं छोड़ने वाली, समझ में आ रहा ना। मेरा पूरा पैसा दिलाना, मेरे को पुलिस वाले मेरे को पैसा दिलाना, मेरे को हाथ दिलाना, और इन लोगों को सजा होना, ऐसी सजा होना कि किसी के औरत बच्चे की जिंदगी पे नहीं जाना लोगा, समझ में आ रहा ना। ऐसा काम करिए आप लोग। शाकिर मोहम्मद, शाकिरुद्दीन और मोहम्मद मुनीरुद्दीन, मोहम्मद अली मुद्दीन, ये मेरे चिच्चा है, जादूगर है नो, समझ में आ रहा ना। पूरे मेरे घर का ने पूछो आप आगे, मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट मेरे बस्ती वाले देते मेरे को। मैं आज तक बाहर नहीं निकली, मेरे भाइयों की चिच्चा की तरफ से बाहर निकली। उन्हें खुद परेशान है, चिच्चा लोग आके पैसों के वास्ते कैसा करे बोल के। हाँ। मालूम है मेरे, अरे पैसे देना रखे घर में 3 बजे रात को आके मेरे घर पे दोस्तों को घुसा दे रहा घर में। बोला पीले के आके, मैं बोली भाई तू मेरे पैसे देना रखे, मेरे मेरा तू कहीं कुमार आ रहे तो पैसे भूल जाओ बोल रहे। हमारे चिच्चा के बड़े पैसे भूल जाओ, भूल जाओ कैसा छुटकिया मार के बोले। हमारे शोर को लंगे लंगे गालियां दे रहे हमारे शोर को। मैं हमारे देवर को बोली पैरा पड़ती रहा भाई, एक बार घर पे कोई भी नहीं बोले तो बेचारा आया तो उसका नाम भी पीएस में डाल दिए। बोला अब क्या करूं, बोलो साहब मैं क्या करूं, बोलो मेरे को बस इंसाफ होना, मीडिया भी मेरा साथ रहना और पुलिस वाले भी मेरे साथ रहना। देखो मैं अल्लाह के पर भरोसा है, बस मेरे को इंसाफ मिलना बस। और मेरे को मेरे शोहर को या मेरे देवरों को किसी को भी कुछ भी हुआ तो इन तीनों जिम्मेदार है। और जैसा कहने क्या बोल रहे मालूम, मैं बोली देखो मेरे शोहर की 1 पैसे की गलती नहीं, तुम ना उनको कहीं को मारने आ रहे, वो तो तू छोड़ दे शोहर को, तलाक दे दे, खुला ले ले तू, कुछ भी कर, अपन उसका काम कर लेंगे। पर मैं बोली मेरे शोहर से मैं खुश हूँ, मैं हम दोनों जोड़ी अल्लाह ताला बनाया सर हम लोगों की, हमारे बस्ती में आके पूछ लो हम दोनों मिलजुल के कैसा रहते, हम दोनों में कैसी अंडरस्टैंडिंग है पूछ लीजिए आप बोल के। बोल बच्चों का कैसा होगा भाई, मैं छोड़ दी तो बोल बोल के बोले तो भी नहीं सुन रहे हो लगा। 3 बच्चे हैं मेरे को, बच्चों का कैसा होगा बोले तो भी नहीं समझने की कोशिश नहीं कर रहे, क्या करना बोलो आप। अस्सलाम वालेकुम, मैं जो ना एक सबसे पहले मेन चीज़ अल्लाह के ऊपर भरोसा करता हूँ, क्योंकि जो ना रात को आके लोग सता रहे कर रहे हैं, शायद तो हम भी जो ना हम भी हाथ उठा सकते थे। हम क्यों सोचे कि भाई हमारे कानून हमारे साथ है और मीडिया हमारे साथ है और अल्लाह हमारे साथ है, अब क्यों करना, बल्कि हम ये नहीं करें। और हम 100 को फ़ोन किए, दूसरे दिन भी फ़ोन करे, लेकिन लोग नहीं चाह रहे हम। लेकिन हमारे को क्या है, कानून से इंसाफ चाहिए हमारे को, और हमारे को बहुत परेशान करे हुए तीनों, अलीम, शाकिर, मुनीर, और जिन्हें नजर रहे लोग। और जब भी बोल मेरे नहीं, मैं घर पर नहीं रह रहा हूँ, मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को, मेरी सास को, ये बोल के मेरे को मार डालते, क्या करते मार के बोलो। चलो उन्हें मारेंगे तो मैं भी मार सकता हूँ, लेकिन हम कानून की मदद चाह रहे हैं और अल्लाह पे भरोसा है हमारे को, मानने वाले से बड़ा 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 बचाने वाला है। इन लोग क्या कर सकते, अगर कानून साथ दिया हमारे को और मीडिया साथ दी, अल्लाह चाहे तो हमारा हमारे हक में फैसला होगा। ख़त्म। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हाँ, मैं शाकिर की अम्मी बात कर रही हूँ। हाँ देखिए, मेरी बेटी 1 लाख की चिट्ठी उठा के दी उनको। हाँ, कारोबार में ला लेता हूँ, करता हूँ, तो 1 लाख की चिट्ठी, फर्स्ट चिट्ठी उठा के दे दी उनको। देने के बाद मैं पूरे चिट्ठियाँ ख़त्म हो गए, सुबह अब देता हूँ, जब देता हूँ अब देता हूँ, जब देता हूँ अब तक बने नहीं। हाँ फिर उसके बाद में क्या, अब पैसे बच्चे चिट्ठी वाले आए तो पैसे मांगने लगी, तो गाली गलौज करना शुरू करे, गाली गलौज करे भी तो चलो जान दो के चले गए लोग, जाके क्या करे चाचा को ले लेके आए उनके, अली मुद्दीन को, मेरे देवर होना उनको लाए तो उन्होंने बड़े थे, उन्होंने इंसाफ करना था। देख भाई मेरे को तो कुछ भी नहीं मालूम। हाँ अम्मी अम्मा से बात करेंगे बैठ के, बच्चा यहाँ के गाली गलौज कर रहा ना, जानते हो कि तो मार मार के लेके चले आना था, नहीं लेके गए, उन्होंने भी गाली गलौज करना शुरू कर दिया यहाँ पर, अम्मा के बहन के बल्कि गालियाँ देना शुरू कर दिया। अब क्या बोलूँ मैं आपसे। हाँ बोल के बोली जानते, फिर चाचा में एक दिन बैठ के बात करी, मैं बोली जानते बेटे, हाँ जो होते रहता अब घर की जगह है, बात करना भी नहीं हो रहा मेरे से, सांस फूल रही। एक तो बीपी है मेरे को। हाँ मैं यहाँ तक के बोली देख बेटे, देख नको कर ऐसा, थोड़े थोड़े करके देंगे अपन, देना है मैं बात कर लेती हूँ। हाँ बोल के चाचा में एक दिन बच्चे को भी बोली, दामाद को बोली जान दे बेटे, तू भी मेरे बेटे के जैसा है, मैं भी तुम्हारी भी बेटे के जैसा है। हाँ? क्या करूँ मैं बोल के बोली, ठीक है मैं बात करती हूँ, हफीज़ लीडर है वहाँ पर, उनके बेटे है, जुमेरात के दिन बैठेंगे बात करेंगे, बोलती हूँ कितने कितने देता भाई तू बात कर ले, आइंदा उनके घर पर नहीं जाना, हमारे को देना तो हम ही वो करेंगे पैसे। हाँ उनके साथ डरा और धमका ही बोलेंगे बोल के, मैं बोल लेके बैठी, हफीज लीडर के बच्चे अच्छे पहचानते करते मेरे को। हाँ
बोल के बोले था चार शंबर के दिन शाम में अच्छी बात है, बोल के उन्हें चाय लाने गए, चाय लाने गए तो बच्चे को दामाद को मार दिया, इबादुल्ला को मार के दो दाँत हिल गए, हाँ कल्ला पूरा सूज गया उनका, बहस कर लेते हैं क्या करूँ मैं क्या करूँ मैं, बोल के भाई बोले क्या हुआ क्या हुआ, बोले तो ऐसा सब देखो ऐसा मारे मेरे को, अब मैं क्या करूँ। कौन कौन मारे? मुनीर और ये शाकिर कहते और ये अली चाबियाँ खींच लिए, कहते गाड़ी की कार चाबी खींच लेके दोनों तीनों मार, दोनों मिलके मारे भाग गए लोग। अगर तेफ़ाखन कुछ हो जाता मेरी बेटी कहाँ जाती, बच्चे कहाँ जाते, हाँ मैं बोले आप जो करना चाहते हैं आप करो, उन्होंने जो करना चाहते हैं आप करो, मैं जो बयान बोले मैं दे देती, मेरे बेटा भी उतना ही है बेटी भी उतनी, मैं एक तरफ नहीं देखती, मैं बात करेंगे बोल के बोल ली भी जो मेरा के दिन मैं आके बोलना था, अम्मा मैं लेट सो मर रही, मर तो नहीं गई थी ना, हुशारी जिंदा ही थी ना, आके बोलना था अम्मा देखो मैं मेरे से गलती हो गई मैं माफ़ी चाहने लगा लेता हूँ मैं माफ़ी करता हूँ, तो मैं नहीं माने उन्होंने, अब इसके बाद फिर ये कदम उठाना पड़ा। हाँ फिर यहाँ तक क्या बोली, देख बेटे तेरे पर जिम्मेदारियाँ हैं, भांजियाँ हैं भतीजियाँ हैं, हाँ देख तीन बच्चे हैं, मेरे बाद तीन छह बड़ा बाबा हम लोग जो रहते हैं जिस एरिया में वाक़ हुआ ये बाबा नगर अपोजिट बालाजी टेम्पल बिसाइड अन्ना ग्रामर स्कूल, वहाँ पे हुआ वाक़ मेन रोड के पास ही है, चलो ये कंचन बाग पी सकता साहब।